हेलो चिल्ड्रन, इस लेक्चर में हम लोग जिंक की मेटलर्जी को डिस्कस करेंगे। तो जिंक के जो इम्पॉर्टेंट ओज हैं उनमें जो फर्स्ट है वो है जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फाइड, दूसरा है कैलामाइन और तीसरा है जिंकाइट, जिंक ऑक्साइड। तो ये तीन जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओर हैं जिंक के, एंड मेनली जो हम यूज़ करते हैं वो जिंक ब्लेंड एंड कैलामाइन। बट कुछ और ओस और भी हैं जिंक के जो यूज़ होते हैं। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर ओर के साथ ट्रीटमेंट क्या होता है। तो अगर हम जिंक सल्फाइड यूज़ कर रहे हैं तो फर्स्ट रोस्टिंग करेंगे, जिससे जिंक सल्फाइड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा जिंक ऑक्साइड में। लेकिन अगर कार्बोनेट ओर का यूज़ कर रहे हैं तो कैल्सिनेशन के बाद इस जिंक कार्बोनेट को हम जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर क्या करना है, उसका रिडक्शन करना है। ठीक है बच्चों, तो ये हम पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि जिंक सल्फाइड का हम रोस्टिंग करेंगे जिसके बाद ये जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिंक कार्बोनेट का कैल्सिनेशन करेंगे जिसके बाद ये जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ओर हम डिफरेंट प्रोसेसेस को यूज़ करेंगे। नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक मेटल फ्रॉम जिंक ओर। तो फर्स्ट स्टेप जो हम करते हैं वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले ओर को क्रश करते हैं, क्रश करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ बॉल मिल, और इसके बाद हम क्या करेंगे, ओर को पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद ग्रेविटी प्रोसेस या लेविगेशन के थ्रू फर्स्ट हम इसको कॉन्सेंट्रेशन करेंगे। ग्रेविटी प्रोसेस और लेविगेशन, उसके थ्रू हम कॉन्सेंट्रेशन करेंगे, और फर्दर हम यूज़ करेंगे उसके बाद फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है बच्चों, तो सल्फाइड ओर के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्रश कर रहे हैं पहले उसको, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर लेविगेशन या ग्रेविटी प्रोसेस के थ्रू कॉन्सेंट्रेट करने के बाद फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर ओर जो है, अगर ओर में आयरन ऑक्साइड भी प्रेजेंट है इम्प्योरिटी के फॉर्म में, तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस भी यूज़ करना पड़ेगा ओर कॉन्सेंट्रेशन के लिए। लेकिन मेनली हम क्या करते हैं, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ जो मेन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के लिए, उसमें फ्रॉथ फ्लोटेशन का नाम है। बट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ओर हम क्या करते हैं, लेविगेशन या ग्रेविटी सेपरेशन भी करते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन के पहले, और अगर आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है तो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस के पहले हमें मैग्नेटिक सेपरेशन भी करना होगा। देन नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है रोस्टिंग का। रोस्टिंग का हम यूज़ तब करेंगे जब ओर हमारा सल्फाइड ओर है, तो रोस्टिंग के थ्रू हम सल्फाइड ओर को जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेंगे, और इस कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, रोस्टिंग में हम कॉन्सेंट्रेटेड ओर को जो है ना हीट करेंगे एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में। तो हीटिंग पर जो सल्फाइड ओर है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ सल्फाइड ओर जो है वो ऑक्सीडाइज होकर के सल्फेट में भी कन्वर्ट हो सकता है, और ये जो सल्फेट बनेगा वो डिकम्पोज हो जाएगा देन इन द फॉर्म ऑफ जिंक ऑक्साइड। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, जिंक सल्फाइड जो है वो ऑक्सीजन, एक्सेस ऑक्सीजन के साथ जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड वोलेटाइल गैस फॉर्म होगी SO2, वो बाहर निकल जाएगी, और जिंक सल्फाइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ जिंक सल्फेट में भी कन्वर्ट हो सकता है, जो फर्दर डिकम्पोजिशन पर जिंक ऑक्साइड देगा। तो इस तरह से हम जिंक सल्फाइड को ओवरऑल क्या कर रहे हैं, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब अगर हमने कैलामाइन और यूज़ किया हुआ है, कैलामाइन जिंक कार्बोनेट, तो हम क्या करेंगे, फिर हम कैल्सिनेशन करेंगे, और कैल्सिनेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, कैलामाइन को जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक्सट्रैक्शन का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है रिडक्शन। रिडक्शन है, और रिडक्शन जो हम करते हैं उसमें हम जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोक अराउंड 1600 केल्विन टेम्परेचर पर। ठीक है, और इस काम के लिए एक स्पेशल इक्विपमेंट यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं वर्टिकल फायर क्ले रिटॉर्ट, वर्टिकल फायर क्ले रिटॉर्ट और वर्टिकल रिटॉर्ट। ठीक है बच्चों, तो इस पर्टिकुलर रिटॉर्ट में हम
रिडक्शन का प्रोसेस करते हैं जिंक ऑक्साइड का इन द प्रेजेंस ऑफ कोक अराउंड 1600 केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो जिंक ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ जिंक। ठीक है बच्चों, अब द वेपर्स ऑफ जिंक आर कलेक्टेड एंड कंडेंस्ड। तो यहाँ पर जो जिंक होगा वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर प्रेजेंट होगा और इसको हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। तो वेपर्स को कलेक्ट करेंगे और फिर ये कंडेंस करेंगे, तो कंडेंसेशन पर जिंक की जो वेपर्स हैं वो सॉलिडिफाई हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम जो लास्ट स्टेप है यहाँ पर वो है रिफाइनिंग का स्टेप। रिफाइनिंग में हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिडक्शन के बाद जो हमें क्रूड जिंक मेटल मिलेगा उसमें जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है उनको फर्दर हम रिमूव करेंगे। उसके लिए प्रोसेस यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। ठीक है, और इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, इम्प्योर जिंक की रॉड को जो है वो हम इम्प्योर जिंक की रॉड को एनोड की तरह यूज़ करेंगे और प्योर जिंक की रॉड को एज कैथोड। और इलेक्ट्रोलाइट जो हम यूज़ करेंगे वो जिंक सल्फेट जिसमें मिक्स होगा स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो जिंक सल्फेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का जो मिक्सचर होगा वो एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होगा और एनोड जो होगा वो इम्प्योर जिंक मेटल का होगा और जो कैथोड होगा वो प्योर जिंक मेटल का होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पासिंग पर क्या होगा, जो इम्प्योर एनोड है जिंक का वहाँ से जिंक मेटल निकलेगी और वो कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगी, जबकि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सेल के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बॉटम पर कलेक्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के थ्रू इम्प्योर जिंक मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये फ्लो चार्ट दे रखा है जिंक मेटल के एक्सट्रैक्शन का फ्रॉम जिंक सल्फाइड और जिंक ब्लेंड। तो हमने क्या किया हुआ है, जिंक ब्लेंड एज अ ओर यूज़ किया हुआ है, तो कंसंट्रेशन करेंगे। कंसंट्रेशन में हम मेनली फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में आपको पता है कि सल्फाइड ओर का जो मेनली हम जो कंसंट्रेशन करते हैं वो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में ही करते हैं। उसके बाद रोस्टिंग प्रोसेस है, रोस्टिंग हम कर रहे हैं अराउंड 1200 केल्विन और इसमें जो जिंक सल्फाइड है वो जिंक सल्फाइड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ जिंक ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक इंटरमीडिएट रिएक्शन भी हो सकती है कि जिंक सल्फाइड का कुछ पार्ट जो है वो जिंक सल्फेट में भी कन्वर्ट हो सकता है और ये फर्दर डिकम्पोज कर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ जिंक ऑक्साइड। तो ओवरऑल आफ्टर रोस्टिंग हमें जिंक ऑक्साइड ही मिलेगा। अब इस जिंक ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। रिडक्शन के लिए हम कोक का यूज़ कर रहे हैं। कोक जो है वो जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ जिंक मेटल। ये जो मेटल हमें यहाँ मिलेगी ये क्रूड मेटल होगी और इस क्रूड मेटल का हम फर्दर प्योरीफिकेशन करेंगे बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या करना है हमें, एनोड जो है वो इम्प्योर जिंक का होगा और कैथोड जो है वो प्योर जिंक की रॉड होगी। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो जिंक सल्फेट प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मिक्सचर होगा इलेक्ट्रोलाइट। तो जो प्योर जिंक है वो कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये जिंक की मेटलर्जी थी। इसको आप, इसकी रिएक्शंस जो है वो बहुत ही ईजी रिएक्शंस हैं, छोटी मेटलर्जी है, आप बहुत आसानी से इसको लर्न कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।